नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में जब चिराग पासवान आंदोलन का हिस्सा बने और उनके साथ साथ जो पालीगंज के माले विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने भी अभ्यर्थियों का साथ दिया। वो भी महाआंदोलन जो 27 सितंबर को महाआंदोलन हुआ था गर्दनी बाग पटना में, वहां आए थे और इन दोनों ने अभ्यर्थियों को ये सांत्वना दिया था कि वो जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्मचारी चयन आयोग के सामने आवाज़ उठाएंगे। वो इस जो प्रक्रिया लेट से हो रही है, प्रक्रिया में जो वक्त लग रहा है उसे लेकर आवाज़ उठाएंगे। इसे लेकर संदीप सौरभ से हमने भी बात की थी, हमने भी उन पर एक तरह से कहा जाए तो दबाव बनाया था कि आपने जो वादा किया है अभ्यर्थियों के साथ वो वादा आप पूरा करें। और इसे लेकर संदीप सौरभ जो विधायक ने अब एक बड़ा काम किया है, उन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है और उसमें उन्होंने साफ तौर से ये बात मेंशन किया है, ये बात लिखी है कि जो 2014 की परीक्षा है इतनी लंबे समय से लंबित है, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसे लेकर पहले चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी, साथ ही कर्मचारी चयन आयोग को भी इसकी कॉपी लगाई थी। वहीं संदीप सौरभ ने ये चिट्ठी सीधा कर्मचारी चयन आयोग को लिखी है और कर्मचारी चयन आयोग को लिखते हुए साफ तौर से ये बात कही है कि जो 2014 की वैकेंसी है उसमें जो डिले हो रहा है उसे आप किसी भी जितनी जल्दी हो सके ये प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही जो पीटी और मेंस में जिस तरह की बात हुई है कि मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग का लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसी बीच पीटी का रिज़ल्ट आ गया, ये भी बात उन्होंने चिट्ठी में लिखी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे चिट्ठी उन्होंने लिखी है और अब ये साफ और से ये भी उन्होंने इसमें किया है कि जितनी जल्दी हो ये प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि अभ्यर्थियों को जो इतने दिन से परेशान हैं, मानसिक के रूप से परेशानी झेल रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को सुकून मिल सके, साथ ही ये प्रक्रिया पूरी हो। और उन्होंने अब पीटी का जो बाद में रिज़ल्ट हुआ है 1218 उसे लेकर भी साफ तौर से लिखा कि अगर गलती आयोग ने की है तो उसे छात्र क्यों भुगते, उसे अभ्यर्थी क्यों भुगते। तो इसलिए ये एक तरह से कहा जाए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है ये एक तरह से उन्होंने दबाव बनाया है ताकि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो सके और इस प्रक्रिया को जो लंबे समय से लंबित है, जो 2014 से लंबित है, वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।